नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार, जाने कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम का हाल। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं दिन के वक्त धूप खिली रहेगी, जिससे लोग चिलचिलाती गर्मी का एहसास करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। राजधानी देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम शुष्क रहने से गर्मी में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये है पेट्रोल डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89.03 रुपये, वहीं आज के दाम है 89.14 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.38 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.27 रुपये। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88.64 रुपये, वहीं आज के दाम है 88.70 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80.69 रुपये, वहीं आज के दाम है 80.76 रुपये। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88.74 रुपये, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80.82 रुपये, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सात चरण का चुनाव आज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान के दौरान 86 लाख से अधिक मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सहित 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज मतदान होगा। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है। देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू। आज से ऋषिकेश, देहरादून के छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब देहरादून में 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना जांच, होम कलेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर नो रिस्पांस। उत्तराखंड में कोरोना केयर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का लेकर जनता में डर बना हुआ है, ऐसे में लोग कोरोना जांच कराने के लिए भी घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। वहीं देहरादून के सरकारी हॉस्पिटलों में जांच के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इन हालात में कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। देहरादून में प्राइवेट लैब को होम कलेक्शन की परमिशन दी गई है, जिसका जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि लोगों को अपना टेस्ट कराने के लिए ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन किसी भी नंबर पर डायल करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान है। कुछ लोगों ने अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। बेमौसम बर्फबारी ने तोड़ी सेब काश्तकारों की कमर, ब्लॉक प्रमुख ने सुनी किसानों की व्यथा। 2 दिन पहले उत्तरकाशी में हर्षल घाटी में हुई बर्फबारी। इस बेमौसम बर्फबारी की वजह से सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। रविवार को ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत ने उद्यान विभाग की टीम के साथ सेब के बगीचों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने उद्यान विभाग की टीम और काश्तकारों के साथ सेब के बगीचों में पेड़ों को हुए नुकसान की जानकारी ली। काश्तकारों का कहना है कि इस प्रकार की बेमौसमी नुकसानदायक बर्फबारी करीब 30 से 40 साल बाद देखने को मिली है। कोरोना से लड़ाई में ब्रिटेन ने दिया भारत का साथ, भेज रहा ऑक्सीजन कंटेनर्स और वेंटिलेटर्स। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए ब्रिटेन ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहकेंद्रक समेत अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण भेजने की घोषणा की है। इस मामले पर ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए 600 मेडिकल उपकरण भारत भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहकेंद्रक उपकरण रविवार को ही भारत रवाना किए जाएंगे और इनकी पहली खेप मंगलवार तड़के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अन्य उपकरणों की खेप भी इस सप्ताह के बाद दिल्ली पहुंचेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई के इस कठिन समय में हम मित्र एवं साझेदार की तरह भारत के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश उच्चायोग ने जॉनसन के हवाले से कहा कि इस घातक वायरस से लोगों का जीवन बचाने के प्रयास में सहयोग के तौर पर सैकड़ों वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन सहकेंद्रक समेत अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण ब्रिटेन से भारत रवाना किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बेकाबू कोरोना, जानिए ऑक्सीजन और ICU बेड की ताजा स्थिति। उत्तराखंड में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अस्पतालों पर भी काफी दबाव बढ़ गया है, जिससे ऑक्सीजन और ICU बेड की कमी होने लगी है। ऐसे में कई मरीजों को बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जैसे जैसे बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको उत्तराखंड के अस्पतालों में मौजूद बेडों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो। चलिए देखते हैं उत्तराखंड में बेडों की स्थिति। बिना ऑक्सीजन के बेड कुल 3,150, वहीं उपलब्ध बेड हैं 2,429। ऑक्सीजन बेड की कुल संख्या है 4,783, वहीं उपलब्ध बेड हैं 2,040। ICU बेड की कुल संख्या है 1,214, वहीं उपलब्ध बेड की संख्या है 372।
उत्तराखंड में रविवार को मिले 4,368 संक्रमित 44 मरीजों की मौत। देश के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में 4,368 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 35,864 पहुंच गया है। वहीं आज 44 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1,748 मरीज रिकवर हुए हैं। आज होगी उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए की जा सकते हैं बड़े फैसले। आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रस्तावित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कोरोना महामारी के निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही से छीनी गई AK-47 यूपी से बरामद, आरोपी अभी भी फरार। उत्तराखंड की रानाकमत्ता पुलिस के सिपाही से छीनी गई AK-47 को यूपी और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद पीलीभीत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ माधो टांडा थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैंट हॉस्पिटल में बन रहा 130 बेड का कोविड वार्ड, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर होंगे तैनात। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसकी रोकथाम के लिए हर दिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित सेना अस्पताल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि समय पड़ने पर सरकार आर्मी के अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसे देखते हुए ही आज ये निरीक्षण किया गया। वीकेंड कर्फ्यू पर दून पुलिस ने काटा 2,947 लोगों का चालान, वसूला 3,84,000 रुपए जुर्माना। दून पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। दून पुलिस ने ऐसे 2,947 लोगों का चालान किया। बागेश्वर में पिरूल योजना के तहत होगा बिजली का उत्पादन, इतने लोगों ने किए आवेदन। बागेश्वर में पिरूल योजना के तहत 150 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए 5 लोगों ने आवेदन किए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही यूनिट तैयार कर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। कुंभ मेला अधिकारी का फर्जी अकाउंट बनाकर मांगे रुपए, पुलिस ने शुरू की जांच। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर रुपए मांगने का मामला सामने आया है। ऋषिकेश महापौर ने किया कोरोना कंट्रोल रूम का उद्घाटन, मरीजों की मदद का प्लान तैयार। नगर निगम ने में स्थापित कंट्रोल रूम का महापौर अनीता ममगई ने उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने नगर प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 14420 और 89410719990 जारी किया। गैंगरेप के आरोप में महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। दून क्लेमेंटाउन पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक महिला को भी आरोपी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। नैनीताल के 3 शहरों में 27 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू। नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं शहर में 27 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कोरोना पर सख्त हुई तीरथ सरकार, देहरादून सहित इन जगहों पर 3 मई तक का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश, देहरादून व छावनी परिषद कड़ी कैंट और क्लेमेंटाउन में कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब देहरादून में 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी की दुकानें, राशन सस्ते गले की दुकानें और पशु चारे की दुकानें अपराह्न 4 बजे से ही खुल सकेंगी। इसी के साथ पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर रावल का कोरोना से निधन। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर RS रावल का निधन हो गया। हाल में ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में कोरोना से हालात बदतर, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। रविवार को भी कोरोना के 4,368 नए केस मिले हैं, जबकि 44 लोगों की मौत हुई। रोजाना बढ़ते मामलों से लोग खौफजदा हैं, तो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बड़ी हुई, जबकि कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे ज्यादा फेफड़े को संक्रमित कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में 4,368 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 35,864 पहुंच गया है। वहीं 44 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पर सांसद और विधानसभा उपाध्यक्ष की बैठक, कोविड सेंटर बनाने के निर्देश। बागेश्वर के कोविड अस्पतालों में बेड फुल, मरीजों को हो रही परेशानी। बागेश्वर के कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में बेड की कमी होने लगी है। बेड की कमी के कारण आने वाले मरीजों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उधम सिंह नगर में 7 कोरोना मरीजों की मौत, 432 नए मरीज मिले। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रविवार को जिले में 7 संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि 432 नए केस आए। ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षक को स्कूल बुलाना, नियमों की अवहेलना, शिक्षा सचिव।
शिक्षा सचिव ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय प्रबंधन शिक्षक पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता। ऐसा करना कोविड 19 की गाइडलाइन की अवहेलना माना जाएगा। लिपुलेख में दो दिनों से हो रही बर्फबारी, जवान कर रहे मुस्तैदी से ड्यूटी। चीन सीमा से सटे लिपुलेख में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। बॉर्डर के आखिरी गांव गुंजी में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, जबकि दारमा घाटी में चलखम के पास ग्लेशियर टूटकर आने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। कोरोना के कारण नैनीताल हाई कोर्ट 2 मई तक बंद, ईमेल से भेज सकते हैं याचिका। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नैनीताल हाई कोर्ट को 2 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। डीएम ने आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, सरकारी विभागों में हुआ सैनिटाइजेशन। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाई गई आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं प्रशासन के निर्देशों पर निकाय प्रबंधन की ओर से सभी सरकारी विभागों को सैनिटाइज किया गया। जंगलों में चल रहा अवैध खनन का खेल, प्रशासन और वन विभाग रोक पाने में नाकाम। कालिका नगर के पास जंगलों में अवैध खनन का खेल चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और वन विभाग अवैध खनन को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।